गाइस ऐसा कभी हो सकता है कि हमने आपसे कोई वादा किया और उसको पूरा नहीं किया हो? बिल्कुल नहीं गाइस। और भाई आप सब लोग सच में क्रेजी हो भाई, क्रेजी हो। और आप लोगों ने वादा पूरा किया तो हम भी पूरा करेंगे और हम आपके लिए लेकर के आएंगे सुपर कार। और गाइस ट्विस्ट ये है कि दुनिया में पहली बार हम लोग एक सुपर कार खरीदने जा रहे हैं कॉइंस की मदद से। यहाँ पर बहुत सारे सिक्के गाइस, बहुत सारे कॉइंस है, पूरा ये जो है भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, दो टब उधर भरे हुए हैं, नीचे भी इकट्ठे रखे हुए गाइस। इन सब के अंदर भी गाइस बहुत सारे कॉइंस है, बहुत सारे सिक्के हैं। और इतने सारे सिक्के होने के बाद भी ये गाड़ी की पूरी कीमत तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन गाइस मजा जरूर से बहुत सारा आने वाला है। कौन सी गाड़ी लेंगे, कौन सी सुपर कार लेंगे जो कि उड़ती हुई चलेगी गाइस, वो सारा का सारा सरप्राइज है। और क्या रिएक्शन होगा शोरूम वालों का जब हम इतने सारे सिक्के लेकर के एक सुपर कार खरीदने जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं जाता है गाइस, लेकिन हम क्रेजी हम करते हैं। आप सब लोग वीडियो के लिए लाइक जरूर से कर देना। फटाफट से शुरू करते हैं गाइस। जितने सारे सिक्के कलेक्ट करने में हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है और इसमें बहुत ज्यादा वेट है गाइस, अगर उठाने की कोशिश करें तो भाई इसको मैं नहीं उठा सकता। गाड़ी में लोड करते हैं और दोनों गाड़ियां ले चलनी पड़ेगी हमको। छोड़ मत देना, आफत हो जाएगी भाई। अगर कॉइंस नीचे गिर जाते हैं ना तो उठाने में बहुत ऐसी हो जाती है। तो गाइस अब निकलते हैं अपनी सुपर कार लेने के लिए। और गाइस इस गाड़ी का कलर कैसा लगा गाइस, देखो क्या मस्त लग रही है येलो कलर में। और भाई आप लोग क्या गेस कर पाए हो कि हम लोग कौन सी सुपर कार लेने वाले, नीचे कमेंट में अभी बताओ, फिर बाद में जल्द देखना। चलो भाई भाई घर से निकले 2 घंटे हो चुके हैं, थोड़ा समोसा वगैरह ले रहे हैं बीच में, बाकी लोग उस गाड़ी में। तो भाई हम लोग पहुंचने वाले हैं जस्ट शोरूम 2 मिनट में, आगे दूसरी गाड़ी चल रही है और इसी में गाइस सारा धन है। और भाई पता है गाड़ी जो है वो हमने फाइनल कर दी है, गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी भी खड़ी करवा दी है। और जो भाई साहब है जिनका शोरूम है उनको ये चीज नहीं पता कि ये होने वाला है, क्योंकि हमने बोला है कि हम लोग चेक से पेमेंट करेंगे आपको, ऐसा हमने बोला है, उनको सरप्राइज मिलेगा और फिर देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है। उनको ये जरूर से पता है कि हम कुछ वीडियो वगैरह तो शूट करने वाले हैं, क्योंकि यार यूट्यूब पे तो वीडियो तो बनाएंगे ना डिलीवरी की, तो इसका उनको पता है, तो कैमरा हम फ्रीली चला सकते हैं। अब देखते हैं गाइस क्या रिएक्शन रहता है थोड़ी देर में। तो भाई पिछली बार तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ था, इस बार कितने एक्साइटेड हो तुम सब लोग? कैसे उड़ाओगे? ऐसे करके थोड़ी गियर डलता है। अच्छा अच्छा यहाँ पे पेडल शिफ्टर्स होते हैं। हाँ इसमें भी है, इसमें भी है। वहाँ से होके फिर उड़ेगी। ऐसे आवाज करेगी? कैसे आवाज करेगी? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। गाइस ऐसी कौन सी सुपर कार आवाज करती है, एक बार फिर से सुनाता हूँ। हाँ बताना। तो भाई हम लोग शोरूम पहुंच ही गए हैं, जस्ट पहुंच गए हैं। गाड़ियां पार्क करते हैं, पहले सब नॉर्मल रखेंगे, हाय हेलो करते हैं जाके उनसे एक बार, और उसके बाद में जो है सारा राज खोलेंगे, पहले कुछ नहीं खोलेंगे। कैसे हो मलिक भाई? हेलो। और बताओ? बढ़िया जी, बढ़िया। फाइनली आपसे मुलाकात हो गई काफी दिन के बाद में। हेलो जी, हाउ आर यू? गाड़ी कहाँ खड़ी कर रखी है आपने हमारी? गाड़ी छुपा के रखी हुई है। अरे यार हम छुपा के मत रखो यार, बताओ कहाँ। अभी हमारी और गाड़ियाँ आ रही हैं, अभी उसको खड़ी करवाने की व्यवस्था देख लेना आप। बिल्कुल व्यवस्था देखेंगे, और आपकी गाड़ी इसलिए हमने छुपा दी कि आपकी बाकी गाड़ियों की जगह बना के रखें। वही ना, यहाँ हो जाएगी एक दो तो खड़ी, यहाँ पे हो जाएगी। गाड़ी चला लूंगा मैं ऐसे में इजीली। चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया। और अभी हमने जो है भाई को पेमेंट भी नहीं करी है, तो अभी आपको पेमेंट भी कर देंगे यार। पेमेंट आ गई भाई की जुबान हो गई, पेमेंट आ गई। आप तो बड़ी जल्दी में रखे हो यार। मैं उस जगह पे दो बजे से जैसे ही बादल आते हैं मैं यूं देखने लग जाता हूँ, ग्रैंड डिलीवरी है भाई की। बादल थोड़ी देर चले जाए फिर चलो शांत हो गए, फिर मैं बैठ गया, फिर बादल आए, फिर जैसे मैं रोक लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपको चेक यहीं पे दे दें तो चलेगा? जी सदके जी, आपके लिए लाती लक्ष्मी को कौन मना कर सकता है। बात तो सही है। नहीं यहीं पे दे दें या फिर मैं बैंक से पेमेंट कराऊं? व्हाट वुड यू प्रेफर? वही प्रेफर
कोई ऐसी बात, एक चीज तो बताओ आप किस में कंफर्टेबल? हम तो यही दे देंगे आपको, मेरे पास तो है, लाया हूँ मैं तो। जिसमें अमित कह के आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन दिस दैट इज परफेक्ट। पहले देखो, अब हम तरीके से करते हैं चीजें, पहले पेमेंट देनी फिर गाड़ी लेनी। मैं ये कहता हूँ कि पेमेंट का जो टेन्योर है हाँ, वो कर लेते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, चलो वो भाई वो चेक ला दो उसमें से। सारे लोग आप ये आप यही चल पड़ा नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ नहीं, हम सारे लोग लेके आएंगे। ये भारी चेक है ना, ये ग्रैंड डिलीवरी है, मजा आएगा आपको। आप अभी तो बोल रहे थे कि आराम से, मैं तो चेक का अमाउंट देके इतना भारी चेक है कैसे उठा। अब एक बात बताओ, 1 करोड़ की गाड़ी है तो भाई अमाउंट तो भारी, अमाउंट भारी नहीं है, अमाउंट भारी नहीं है क्या ये बताओ? भारी है ना, कितना भारी है ये लगा लो कम से कम 10 हाथों में आएगा। 10 हाथों में चलो भाई, चलो भाई, अभी लोग की फटने वाली है, अभी तो ये चिल है। हाँ जी, कहाँ देना है पेमेंट ये बताओ आप, यहीं पे दे दें। ये लो साहब, ये लो, गिनना शुरू करो, गिनो 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 भाई। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी, ये क्या हुआ? क्या हुआ सर? उनकी ऐसी गया हरिद्वार में नीचे आरती पारती मार के वहीं से लाए ये 10 की ढेरी है जी 11 में, ये तो ब्लैक में बेचना शुरू कर दो। नहीं ब्लैक नहीं है, 17 की ढेरी है जी 17 में। देखो हमारा कोई पैसा ब्लैक नहीं है भाई, हमारा सारा पैसा व्हाइट में है भाई। ले आओ भाई सारा पैसा ले आओ, गिनना शुरू करो आप भाई, लो आप शुरू करो भाई। मैं देख लेता हूँ कि आप सही गिन रहे हो ईमानदारी से भाई, करो ना यार गिनना शुरू, डिलीवरी लेनी है यार। पलटी जा रहे हो, पलटी जा रहे हो। अरे पलट नहीं रहे भाई, काउंट करो, आपका पैसा है, गाड़ी नहीं लेनी आपको। मैं तो गाड़ी उधार देनी शुरू कर दूंगा, पैसे आ जाएंगे, ये काम बता रहे हो। उधार मत दो आप, इसको गिनो और चलो, डिलीवरी लेनी है भाई, करो शुरू करो। तो इसमें डुबकी लगा के वो एहसास हो रहा है कि सीधा डुबकी लगा के लगाने वाला काम हो गया। अब सुनो, आप हमें डिलीवरी देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो? लेकिन तो भाई मैं कैश लेके डिलीवरी नहीं देना चाहता, हम लोगों उधार में भी शुरू कर दिया है, गाड़ी देना। आप हमें संपर्क कर सकते हैं जिनके पास भी बांध पड़ी है। कितने दिनों में गिनोगे भाई? तकरीबन 1 से 1.5 साल लगेगा। आज चाहिए डिलीवरी, आज डिलीवरी आज मिलेगी, लेकिन पैसे गिनने में साल चाहिए हमें। एक साल ये भाई किस काम लगा दिए, काम किया? कितने लोग लगे गिनने में? एक साल लगेगी। एक साल लगेगी। तो गाड़ी तो हमको भी चाहिए भाई, तो भाई आज की तारीख चाहिए मैं तो गाड़ी। देखे भाई एक बार हाथ हटाओ भाई, हमने जो डेरिया लगाई है रखो, अब तो नहीं लिया है भाई। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चलो बेटी करो करो करो, सर आपकी भी कर लेता हूँ, देखे एक बार। नहीं है भाई, और इधर पे इधर भी दिखाओ, इधर दिखाओ। हमारा आधा स्टाफ तो भाग गया जान के, जो उनको बुलाएंगे साला, आधा किसी को चाय नहीं मिलेगी, सब भाग गए हमसे गिनवाएंगे। और जो तनखा लेता है अकाउंटेंट, वो नीचे ही नहीं आ रहा, ऊपर फोन आ गया, इनको बुलाओ, अकाउंटेंट को बुलाओ, अकाउंटेंट को बुलाओ जरा। क्या कर रहे हो इस संसार में, कभी तो आओ हरिद्वार, हरिद्वार में आपका स्वागत है। कौन से काम लगा दिया ये, तो मुझे यही लग रहा है कि पेमेंट को हमें साइड रखना पड़ेगा और डिलीवरी के बाद ये कार्यक्रम दोबारा शुरू करना पड़ेगा। चलो ये 50 पैसा हम वापस रख रहे हैं अपना। इतना कभी नहीं गिना मैंने, इतने पैसे कभी नहीं गिने, ऐसे कर रहे
भाई ये बंदा सिक्को में पहन लेता सही में देख रहे हैं कि सही में लेते हैं क्या ये पूरा सारे लोग रहने लग गए ना ये पूरा शोरूम भर जाएगा सिक्को ही सिक्को से मैं कसम से कह रहा हूँ अब खत्म करके गलती मेरी है मैं रियलाइज करता हूँ मुझे नहीं उम्मीद थी सही में इतना उठा लाएगा लेकिन मजाक में बोला अब आप हमारी बात सुनो लेकिन हमको गाड़ी सिक्कों में ही लेनी है क्योंकि ये पैसा है ये एक साल लगेगा तुम एक महीना कह रही हो एक साल में गिर नहीं सकता मुझे कसम से मजाक लग रहा था तुमने मजाक को बिल्कुल मेरे सर पे सच करके खड़ा कर दिया अच्छा वो कहाँ है वो दूसरे भाई साहब कहाँ है वो भाग गया देख लो वो भाग गया छोड़ के गलती की सजा ये है कि गाड़ी पे 50% डिस्काउंट बोलो इतनी बड़ी सजा इकट्ठे करके बेचने भी जाएंगे तो भी कुछ ले मरेंगे सजा ऐसी मतलब प्यार वाली सजा दो तुम्हारी इतनी अच्छी डिलीवरी इंतजार कर रही है तुमने तो मेरा मूड स्पॉइल कर दिया वेले काम में बिठा के मैं सोच रहा था ये डिलीवरी में ये करना है और यार जमीन पे बिठा दिया ये सिक्के गिनना तो भाई सिक्का अरे यार सिक्का गिनना वो थोड़ी ना है देखो 4:30 हो गए तो डिलीवरी की प्लानिंग चलो एक काम करो आप इसको इकट्ठा कराओ और आपके पास रखो आप काउंट करा लेना आपके बाकी स्टाफ को लगा दो अपन डिलीवरी पे चलते हैं अरे भाई साहब यार ये तो बचपन से जुड़े हुए हैं यार हम तो बचपन से काउंट आ रहे हैं कैमरा के सामने काउंट करा लो भाई साहब आपको कैमरे के दायरे में रखूंगा और तुम्हारे कैमरे के दायरे में रहेंगे तुम्हारे सिक्के ठीक चुके हैं आपके लिए सुपर कार लेने के लिए जो कि इस बॉक्स के अंदर बॉक्स है ना ये बहुत बड़ा बॉक्स है और भाई मेरे पैर में लगी हुई इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलता हूं ये जो बॉक्स है इसके अंदर रखी है क्रेजी एक्सवाईजेड की सुपर कार और गाइस बॉक्स का साइज देखो एक बार मेरे से भी ऊंचा है हालांकि जो गाड़ी है ना वो इतनी ज्यादा ऊंची नहीं होने वाली है क्योंकि ये एक सुपर कार है एक स्पोर्ट्स कार है साइड से देखें तो बॉक्स का साइज एक बार इसके बगल में खड़े हो ना भाई एक बार देखो भाई इंसान से भी ज्यादा ऊंचा है ये काफी ज्यादा ऊंचा बना हुआ है तो अब करते हैं गाइस इस बॉक्स की अनबॉक्सिंग और अगर आपने बता दिया है अगर आपको अंदाजा लग गया कि कौन सी गाड़ी है तो नीचे कमेंट्स में जरूर से बता देना करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स और निकालते हैं अपनी सुपर कार गाइस करे रिवीलिंग अपनी सुपर कार की इन 3-2-1 गो फाड़ दो पूरा फाड़ दो भाई पूरा अरे मुझे फट गया ओ भाई गिर जाएगा ये अरे भाई पूरा घर ही झूल गया इसको फाड़ूंगा गाइस मैं गाइस यहाँ पर है अपनी सुपर कार और अभी तो पर्दे के अंदर है भाई अभी तो पर्दे के अंदर है अभी जो है इसकी पर्दा हटाएंगे तो पता लगेगा कि अंदर क्या चीज है अभी आपको अच्छे से नहीं दिखेगा पहले आप गाड़ी देख लो गाइस गाड़ी ही देखना बस समझ रहे हो करो आज और डांस करो तुम लोग भी डांस करो तो भाई गाड़ी का पर्दा हटाने से पहले थोड़ा सा पार्टी वार्टी चल रही है यहाँ पे करतार को देखो पागल हो गया ये एक टांग है भाई तो क्या करूँ यार मैं लग जाएगी इसमें चोट गाइस गाड़ी को रिवील करते हैं बहुत देर होगी यार म्यूजिक बजते आप लोगों भी काफी एक्साइटमेंट हो रही होगी तो अब मैं देने जा रहा हूँ इनकी सुपर कार की चाबी सुनो सुपर कार की चाबी तो ठीक है पैसे का एक बार पूछ लो काउंट हो गए यार देखो कहां की टेंशन डाल रहे मैं खुशी अरे तो आया हूं, ये फिर टेंशन में कम से कम इतना पता तो रहे कितने काउंट हो गए पूछ भाई लो साहब कैमरे के दायरे में सारे बैठे हुए हैं 6 बंदे काउंट कर रहे हैं अच्छा काउंट कर ही रहे हैं पीछे से गर्मी इंतजार कर रही है हमारा अच्छा वो सर्दी चलो भाई लेते हैं गाइस चाबी ताले बजाते हैं चलो अपनी सुपर कार की चाबी अरे आ चुकी अपने पास में गाइस इसकी जो शेप है वो भी जो है एकदम गाड़ी जैसी ही है चलो रिवील करेंगे इसको चलो करते हैं इसको रिवील इन 3-2-1
कितने जेंट्स चलेंगे भाई ये उत्तरी 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 गाइस रेड कलर में क्या लग रही है चीज भाई साहब मस्त लग रही है ओ इसका मुंह खोलो अरे इसका मुंह खोलो यार चाबी किसके पास है ये गुली गाइस गाड़ी की छत अरे उड़ा दो अपने आप ही उड़ा दो अरे ये बलून उड़ी नहीं रहे भाई उड़ गए उड़ गए उड़ गए उड़ गए ये लो भाई ये गए बलून ले भी जाओ चलो चलाओ गाड़ी चलाओ अरे दो सीटर है चार बैठ गए उसमें चलो निकालो बहुत बढ़िया करता चला हैंड ब्रेक तो हट गया हट गया चलो बहुत बढ़िया क्या बात है क्या बात है गाइस भाई साहब टू सीटर गाड़ी के ऊपर बैठ गए हैं चार लोग और टू सीटर को फोर सीटर बना डाला है भाई और मैं भी बैठ जाता हूँ रुक जा करतार अरे बैठ जा पैर में लगी है क्या बैठूंगा मैं तो रुक जा चलो भाई चलो भाई इसमें तो कितने भी बैठ सकते हैं यार चला करता चला भाई इतनी नीची है मुझे लग नहीं रहा मैं गाड़ी के ऊपर बैठा हुआ हूँ गाइस कुछ और परफॉर्मेंस हमारे लिए इंतजार कर रहा है ऐसा कहना है उनका ओ भाई साहब गाइस इसको पता है हमारे राजस्थान में घाघरा बोलते हैं घाघरा लुगड़ी पहन के ऐसे घूमते हैं घूमर वूमर क्या होता है वो है ना वैसे ही नहीं गाइस ये है पोर्श की बॉक्सटर 718 जो कि आपके सामने है गाइस इसकी जो छत है वो खुलती है क्योंकि ये गाड़ी एक कन्वर्टेबल गाड़ी है इसके अंदर गाइस मैं भी बैठ कर देख ही लेता हूँ गाइस इन्होंने तो चला ली है लेकिन मैं भी उतरी अबे क्या कर दिया भाई चलो कोई नहीं भाई क्रेजीनेस होती रहनी चाहिए और गाइस मैं आ गया हूँ गाड़ी में चाबी दे दो ना यार एक बार मेरे को गाइस एक बार स्टार्ट ही कर लेता हूँ स्टार्ट तो कर ही लेता हूँ अरे ब्रेक दबा के होगी ये हुई गाइस गाड़ी स्टार्ट एसी में हवा भी आने लग गई यार एसी कैसे काम करेगी अगर छत खुली रहेगी तो इसी छत बंद भी होती है गाइस करके दिखाऊं इससे होती है शायद हाँ वो हो गई गाइस छत बंद हो रही है अब गाड़ी की तो बंद कर लेता हूँ ये हो गई गाइस ये खुल गई गाइस ऐसे करके खुल जाती है आपकी इच्छा हो तो इसको बंद कर लो इच्छा नहीं है तो गाइस खुली रख के आप चला सकते हो तो गाइस अब काटते हैं अपनी गाड़ी का केक चलो भाई ये है गाइस अपनी गाड़ी का केक ले भाई आपके लिए इतने से काम नहीं चलेगा आपके ढंग से चाहिए आप हमसे बड़े हैं नहीं तो आपको पता नहीं क्या हाल होता आपका दिखाते एक मजेदार शो चलाओ भाई जला दो ओ ध्यान से रखना अरे तो यही बट रहा है भाई ओ भाई उधर छोड़ो भाई छत खोलूंगा क्या खुल गई गाइस छत मस्त है भाई गाइस गाड़ी चलाने का अलग ही मजा है नीचे नीचे चलती है अब गाड़ी को लेकर के निकलते हैं पहले तो मैं बाहर आता हूँ आपसे बात करता हूँ गाइस क्योंकि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है भाई गाइस अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात आप लोगों से ये है कि हमने
आपको जो प्रॉमिस किया था वो किया है पूरा। अब आप लोगों की बारी है हमको भी खुश करने की। गाइस गाड़ी जो है वो क्रेजी आर्मी के पास में आ चुकी है, बॉक्स्टर पोस्ट की बॉक्स्टर 718। और ये जो गाड़ी है ये अब अपने पास ही रहने वाली है। लेकिन आप सब लोगों ने अगर अभी तक इस वीडियो के लिए लाइक नहीं किया तो गाइस अब हमको आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। सब लोग लाइक करो भाई, अपने भाई के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, भाई सभी के लिए लाइक का बटन जरूर से ठोक देना, बस वो चाहिए हमें। और इसके बाद अगली सुपरकार कौन सी लेनी है वो भी कमेंट्स में बता देना गाइस। जिस दिन आप कहोगे उसके अगले दिन वो भी आ जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कमेंट कर दो सब लोग अगली कौन सी चाहिए, लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही गाइस, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।